चलो इवन आज की वीडियो के अंदर जितने भी कंफ्यूजन है सब कुछ दूर करने वाले हैं। कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि भैया आईआईटी जेई के अंदर हमको आर्किटेक्चर करना, आईआईटी से, एनआईटी से, एसपीए से, जितने भी इंडिया के टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं हमको वहां से अगर आर्किटेक्चर करना है, बी आर्क करना है, तो क्या उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम नाटा देना पड़ता है या फिर जेई मेन्स देना पड़ता है? अब होता क्या ना, एक्चुअली के अंदर जब आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो ना सर्च बार के ऊपर कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दे आईआईटी जाने के लिए, एनआईटी जाने के लिए, एसपी जाने के लिए, तो कुछ कुछ वेबसाइट आपको ये बताती है कि आपको आईआईटी जाने के लिए नाटा देना पड़ता है, एसपी और एनआईटी जाने के लिए आपको जेई देना पड़ता है, या फिर आपको जेई और नाटा दोनों देना है, या फिर ऑनली नाटा देना, ऑनली जेई देना है। बहुत सारे कंफ्यूजन है। आज की वीडियो के अंदर एकदम क्लैरिटी से डिस्कस करते हैं कि किस जगह जाने के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसी चीज गारंटी को, कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि गलत गलत इन्फॉर्मेशन, उनके पास पुराना डेटा है और शायद पुराने में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था, कुछ कुछ गलत डेटा भरा पड़ा है, ठीक है। गूगल कभी भी आपको 100% सच नहीं कहता है कुछ कुछ जगह के ऊपर, ठीक है ना, राइट। तो बात करते हैं हम लोग, हमारे पास बात कर रहे हम लोग, ठीक है, हमको भाई आईआईटी जाना है या फिर हमको बात कर रहे हैं एनआईटी जाना है या फिर क्या एसपीए कॉलेजेस जाना है, किसके अंदर जाना है हमको, करनी बी आर्क आर्किटेक्चर है, इसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, बात करते हैं। मेनली बात कर रहे जो वीडियो किसके लिए 2024 के लिए होने वाली है, जो अब आने वाला समय है, ठीक है ना। हम हमारे पास क्या है, मेनली दो एंट्रेंस एग्जाम है, जिसको नहीं बताओ, दो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एक तो होता है कौन सा, जेई, जिसको हम कहते हैं जेई मेन्स, जो कि हम पास सबके लिए होता है, जेई मेन्स फॉर बीटेक के लिए होता है, जिसको पेपर नंबर वन कहते हैं। तो जेई मेन को दो पार्ट है, पेपर नंबर वन और एक होता है क्या, पेपर नंबर टू। सब मोस्टली जो है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट जो है हर साल पेपर नंबर वन देते हैं फॉर बीटेक के लिए। एक पेपर नंबर टू भी होता है, जिसको क्या कहते हैं, बी आर्क के लिए होता है, बी आर्क एंड बी प्लान, ठीक है। इसको आर्किटेक्चर करना है, प्लानिंग करनी हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग, बी आर्क एंड बी प्लान, जो कि पेपर टू टू कहते हैं, ठीक है। पेपर नंबर वन दैट इज फॉर बी टेक, राइट। यहाँ तक की तो बात जो है क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको जाना है कहाँ पर है, हमको जाना है कहाँ, आईआईटी के अंदर जाना है। अब आईआईटी के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। देखो हमारे पास एक एग्जाम तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम कौन सा होता है, जिसको हम कहते हैं नाटा वाला एग्जाम है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, इसको कहते हैं नाटा, ठीक है ना। अब ये तो क्या है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कौन कौन से, एनआईटी, आईआईटी और एसपी, ये तीनों क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे सेंट्रली के अंदर गवर्नमेंट बैठी है वो इनको चला रही है, मतलब इनके तो इनको फंडिंग मिलती है, ठीक है, वो सब इनको संभालती है। इनके अलावा कौन से कॉलेजेस होते हैं, इनके अलावा हमारे पास स्टेट कॉलेजेस भी होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्या है, प्राइवेट भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ कुछ क्या यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चला रही है, वो भी हमारे पास है। तो ये कुछ कुछ टाइप के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा ये कुछ कॉलेजेस कैटेगरी हैं कॉलेजेस की, ठीक है। अब देखो हमको अगर जाना है एनआईटी और एसपीए, हमको जाना है अगर एनआईटी और एसपीए, आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, एनआईटी एसपीए जाना है, हमारे को जाने का रूट क्या है, सिंपल आपको पेपर टू देना है, किसका है, जेई मेन का। जेई मेन का पेपर टू दोगे तो आपका पहुंच जाते हो एनआईटी और एसपीए, पहुंच जाओगे, खत्म होगी बात, इतनी सी बात है। किसकी, एनआईटी एसपीए जाने के लिए। जेई मेन का पेपर टू होता है बी आर्क एंड बी प्लानिंग के लिए, आप चाहो तो बी आर्क वाला दो, अगर आपको आर्किटेक्चर करना है, अगर आपको प्लानिंग करना है तो बी प्लानिंग वाला पेपर दो। ये एग्जाम को क्लियर करने के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग मतलब एडमिशन प्रोसेस जिसको कहते हैं, वो होने के बाद क्या है, एनआईटी और एसपीए पहुंच जाते हो, इतना सिंपल सा काम है, इसके अंदर कोई ज्यादा घूमना नहीं है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अगर किसी को बीटेक करना होता है तो बीटेक के लिए तो जेई मेंस ही होता है, जेई मेंस के अंदर अगर बीटेक के अंदर जेई मेंस एग्जाम देता है तो भी क्या होता है, वो यहाँ पर हमारे पास एनआईटी और एसपीए पहुंच जाता है, मतलब एसपीए तो नहीं, ओनली एनआईटी, क्योंकि बीटेक के अंदर एसपी, एसपीए कॉलेजेस फॉर स्पेशली आर्किटेक्चर की होती है, ठीक है। मतलब बात करो तो बीटेक के थ्रू आप क्या ओनली एनआईटी पहुंच जाते हो, इसके लिए बीटेक के लिए जेई मेंस का एग्जाम देते हैं, ठीक है। अब हमको अगर आईआईटी जाना है तो आईआईटी के लिए करना पड़ता है, सबको बताया कि जेई मेंस जो होता है इसके बाद हम कौन सा एग्जाम देते हैं, जेई एडवांस, ये होता है, जेई एडवांस एग्जाम देते हैं हम लोग, और जेई एडवांस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एक रैंक लेकर आने के बाद हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं आईआईटी। यहाँ तक बात जो है क्लियर है। अब ये तो बीटेक के लिए था रूट, जेई मेंस दिया, जेई एडवांस दिया, उसके बाद यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब क्या है कि अगर आर्किटेक्चर के अंदर हमको आईआईटी जाना है तो क्या हम इस वाले एग्जाम के थ्रू ये जेई एडवांस दे सकते हैं, क्या इसी एग्जाम को तो डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर जेई एडवांस देकर जा सकते हैं, कैसे, क्या रूट है? तो दोनों रूट नहीं है, ना तो आप डायरेक्ट एग्जाम देकर आईआईटी जा सकते हो और ना आप बी आर के बाद जेई एडवांस देकर आईआईटी जा सकते हो, दोनों रूट गलत है। तो इसके लिए रूट कौन सा है यहाँ पर जाने के लिए, और सब वेबसाइट्स के अंदर भी आपको गलत बता रखा है, कुछ कुछ वेबसाइट्स में आपको सही बताया, ठीक है। अब होता क्या है ना, आपको ये रूट आपके लिए बंद हो गया और ये जो रूट डायरेक्ट ये भी बंद हो गया। अब वो करना क्या है, बीटेक वाला जो जेई वाला एग्जाम दे रहे हो ये तो आपको देना ही है, ठीक है ना, इसके बाद जी एडवांस एग्जाम दे रहे हो ये तो आपको देना ही है, ये दोनों तो आपको देने ही है। किसके लिए, आर्किटेक्चर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, आर्किटेक्चर के लिए ये जेई मेंस का पेपर नंबर वन आपको देना है, जेई एडवांस आपको देना है,
एक एग्जाम और आएगा बीच में, बोल रहा हूँ बीच में एक एग्जाम और आएगा, यहाँ पर एक एग्जाम और आ गया, ठीक है ना। इसको हम बोलते क्या, इसको बोलते जेई एडवांस, एक होता है क्या ए ए टी, जे एडवांस का एक और एग्जाम होता है बीच में, इसको बोलते हैं एएटी। एएटी मतलब होता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एग्जाम और क्वालिफाई करना पड़ता है आपको जे एडवांस के बाद। ये एग्जाम होता कब भैया, ये एग्जाम होता है जब जे एडवांस का रिजल्ट आ जाता है, उसके एक या दो दिन बाद ही ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो ये स्टूडेंट को बहुत कम को होता है नॉलेज, ये तरह का एग्जाम भी होता है जिसकी रैंक इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो इस एग्जाम को देकर आईआईटी से आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। ये नॉलेज बहुत कम को है, शायद 1% बच्चों को भी शायद ही होगा, जिसको पता होता है वो एग्जाम देता है, राइट। हमारे टाइम के अंदर है, मैंने भी एग्जाम के अंदर क्वालिफाई किया था जे एडवांस, मुझे उस समय इतना नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था और ना ही मुझे इतने समय वीडियो अवेलेबल थी, 18-19 की बात है, उसलिए शायद मैं इस एग्जाम को अपीयर नहीं कर पाया और जो मेरी रैंक थी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लूँ अगर ये एग्जाम देता तो इसकी कट ऑफ जो जाई थी उस वाली कट ऑफ के अंदर मेरी रैंक आ रही थी। पर लेकिन कह सकते हैं ना कि नॉलेज गाइडेंस की कमी होने के कारण मुझे इस वाले एग्जाम का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। तो ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा जो कारण रहा था, उसके वजह से ये था कि अब से किसी को भी ये नहीं होगा कि मुझे पता नहीं था, ठीक है ना। इसलिए यार मैं हमेशा इसी आपको वीडियो बना के बताता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज के अंदर अपन बात कर चुके, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, तो मैं फिर से बताता हूँ करना क्या है। बी आर के लिए क्या करना है आपको, जेई में पेपर नंबर 1 देना है। बी आर के लिए अगर आईआईटी से बी आर करना है तो आपको पेपर नंबर 2 नहीं देना है, पेपर नंबर 2 नहीं देना है आपको, ठीक है ना। पेपर नंबर 2 के लिए ओनली आपको एनआईटी और एसटीए ही मिलेगा बस। आपको पेपर नंबर 1 देना है जेई का, बीटेक वाला, उसके जेई एडवांस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको ये एग्जाम देना है जेई एडवांस एएटी वाला एग्जाम होगा, राइट। जिसको आर्किटेक्चर करना हो ये उसी के लिए होता है स्पेशली एग्जाम, राइट। जेई एडवांस एएटी लिखा भी है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका आईआईटी के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये रूट है किसका, आईआईटी के लिए, और ये रूट है किसका, एनआईटी के लिए। तो मैं ये एरो हटा देता हूँ यहाँ से, ये एरो कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना, ये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक की बात किया, ये एग्जाम का क्या भाई, ये एग्जाम कहीं आईआईटी के बीच में नहीं आता है, नाटा वाला एग्जाम, ठीक है ना। तो इस एग्जाम को भी हमको दिमाग से निकाल देना है। बहुत सारी वेबसाइट पर लिखा हुआ है आईआईटी के लिए नाटा चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो सब गलत है, वो सब फर्जीवाड़ा है। क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है जहाँ पर नेगेटिव भरे होते हैं लोग, क्योंकि लोगों को चाहते हैं कि लोग डाइवर्ट हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर डाइवर्ट करना चाहते हैं, लोग गलत राह पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज त्याग दें आप, नाटा वगैरह से कुछ भी चीज नहीं है, तो यहाँ पर आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। अब नाटा एग्जाम कहाँ काम आता है, अब ये बात है कि नाटा मोस्ट ऑफ द इंडिया के कॉलेजेस, इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली क्या है, अप्रोक्सीमेटली 400 कॉलेजेस है इंडिया के अंदर टोटल आर्किटेक्चर के, 400 कॉलेजेस। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जितने कॉलेजेस है ना, आई आई टी, एन आई टी, ये सब तो मिलाकर शायद 20 के आसपास ही, टोटल 20 कॉलेजेस ही है, 19 या 20 कॉलेजेस है, ठीक है। टोटल 16 तो कौन से है, एनआईटी एसपी कॉलेजेस मिलाकर 16 और मिलाकर 3 आईआईटी है, तो कुल मिलाकर कितने 19 कॉलेजेस हो गए, अप्रोक्सीमेटली का 19 कॉलेजेस ही है जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर आर्किटेक्चर मिलता है, ये मिलाकर। बाकी जितने भी कॉलेजेस है ना, 350-400 कॉलेजेस, वो क्या है ये, तो कुल मिलाकर 400 कॉलेजेस के अंदर आपको क्या है, नाटा प्लस जेई मेंस, नाम दोनों लूंगा, जेई का जो ना पेपर नंबर 2 ये था, पेपर नंबर टू और जेई दोनों से मिलाकर आपको बाकी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अब इसके अंदर भी अलग अलग चीजें सेपरेट हो रही है कि किसी कॉलेज के अंदर ओनली नाटा, किसी कॉलेज में ओनली जेई, किसी कॉलेज में ओनली नाटा प्लस जेई, दोनों वो अलग अलग बात है, बात की बात, राइट। तो ये सब कुछ सा क्या है, आपको एक मोटा मोटा जो है कंफ्यूजन होता है ना, अभी चल रहा है प्रिपरेशन का टाइम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर अगर कंफ्यूजन रहता तो वो तैयारी नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता है कि ऐसा भी होता है। तो फिर एट द एंड जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तब उनको पता चलता है कि ऐसा था, मतलब पहले जब आप प्रिपरेशन, अभी टाइम चल रहा है तो मैं चाहता हूँ अभी से आपको पता चल जाए कि जो लोग तैयारी करना चाहते हो जेई की, जो लोग आईआईटी का सपना देख रहे हो, उनको ये पता तो हो कम से कम कि रूट क्या है जाने का, आईआईटी रूट बताओगे, रास्ता बताओगे तभी तो उस रास्ते के ऊपर चल पाएंगे। पर लेकिन अगर रास्ता ही गलत पकड़ लिया, हमको जाना यहाँ तक, हमको ये रास्ते के ऊपर चल रहे हैं तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमको जाना तो यहाँ तक, आपको इस रास्ते जाना पड़ेगा, इस रास्ते का, इस चीज़ का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है हमको। कोई सी वेबसाइट वगैरह देख लो, कुछ भी देख लो, वो सब गलत है, ये सब कुछ करेक्ट है। हाँ, ये आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर भी मिलेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ सब कुछ गलत ही है, ये सब कुछ आपको और वेबसाइट्स के ऊपर भी मिल जाएगा। पर लेकिन ये डाटा जो है आपको याद रखना है और ध्यान में रखना है, इसको देखते हुए अपनी तैयारी करनी है कि हमारा कहाँ है, हमारा लक्ष्य गोल कहाँ है, हमको कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा एंड रिजल्ट क्या है, हमारा एंड गोल क्या है, वो हमको उस हिसाब से रास्ता अपना चुनना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखें। बाकी किसी भी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, किस वीडियो के ऊपर, किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट कर देना एक बार, आपको कमेंट की जरूर रिक्वायरमेंट है। बाकी मिलते हैं अपन, ठीक है ना, बाकी अच्छे से दबा के पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।